अगर कोई हमसे कहता है वॉट हैव यू डन तो इंग्लिश में इस सवाल का मीनिंग क्या होता है और डिफरेंट सिचुएशंस में इस सवाल का जवाब हम इंग्लिश में कैसे देते हैं देखते हैं आज के आई के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में तो दोस्तों वॉट हैव यू डन का मीनिंग होता है तुमने क्या किया है तुम क्या कर चुके हो आपने क्या किया है आप क्या कर चुके हैं वाट हैव यू डन तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि आई एम सॉरी आई वॉज पेइंग अटेंशन मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं ध्यान नहीं दे रहा था लेट सपोज़ हम गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी लग जाती है तो साथ वाला पूछते वॉट हैव यू डन ये तुमने क्या किया है तुम क्या कर चुके हो आपने क्या किया है तो आगे से आपका जवाब हो सकता है आई एम सॉरी आई पेइंग अटेंशन मैं माफ़ी चाहता हूँ क्षमा चाहता हूँ कि मैं ध्यान नहीं दे रहा था इसी तरह जॉब इंटरव्यू के दौरान अगर हमसे पूछा जाता है वॉट हैव यू डन तो इसका मीनिंग है कि हम क्या क्या कर चुके हैं तो आप बता सकते हैं कि आई हैव डन माई मास्टर्स आई हैव डन माई बैचुलर्स जो भी आप कर चुके हैं कि आई वर्क इन एन इंटरनेशनल कंपनी फॉर लास्ट थ्री ईयर्स कि मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में पिछले तीन साल से काम कर चुका हूँ तो इंटरव्यू में जब पूछा जाए व्हाट है तो उसका मीनिंग है कि आपने क्या किया है ज़िंदगी में तो आप बताएंगे यहाँ पर अगर इंस्टेंटली कोई चीज़ हो जाती है हमसे गलती हो जाती है तो पूछा जाता है ओ व्हाट है पानी पी रहे थे उसके ऊपर हमें ग्लास से पानी फेंक दिया तो वो कहेगा ओ वॉट हैव यू डन तो मैं कहूँगा आई एम सॉरी आई वॉज पेइंग अटेंशन मैं क्षमा चाहता हूँ मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ध्यान नहीं दे रहा था इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए आई फैक्शन के चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में